फिलहाल आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से खबर है, कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल, कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर बीजेपी का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। जिला मुख्यालयों पर बीजेपी प्रदर्शन करेगी। धीरज साहु के ठिकानों से मिला है 200 करोड़ से ज्यादा का कैश। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं धीरज साहु। लखनऊ कलेक्ट्रेट पर सुबह 11 बजे प्रदर्शन होगा। पीएम मोदी ने दरअसल कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। बीजेपी कार्यालय पर 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरीके से निशाना साधते हैं भूपेंद्र चौधरी, ये जानना भी बेहद जरूरी है। तो बीजेपी इस मामले को पूरे देश में भुनाने की कोशिश कर रही है। धीरज साहु के ठिकानों से दरअसल 220 करोड़ के आसपास कैश की बरामदगी हुई है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कैश किला कहिए या कैश कोठरी या फिर कैश लोक, नोट इतने कि दिमाग चकरा जाए, मशीनों से भी गिनती ना हो पाए, लेकिन यह हकीकत है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू और परिवार से अब तक 3 राज्यों में करीब 220 करोड़ के कैश की बरामदगी हो चुकी है। ये सारे नोट आयकर विभाग की छापेमारी में मिले हैं। कांग्रेस सांसद के कैश लोक में 220 करोड़ रुपए का खजाना। इन अलमारियों में किसी बैंक से भी ज्यादा रुपए मौजूद हैं। 3 राज्यों के 25 ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी में ये नोट मिले हैं और ये पूरा कैश झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहु के परिवार का है। आईटी विभाग ने उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में छापेमारी की है। अब तक 220 करोड़ रुपए कैश मिला है और अनुमान है कि यह आंकड़ा 250 करोड़ तक भी जा सकता है। 9 अलमारियां हैं, 9 अलमारियां जिसमें करीब 100 करोड़ रुपए की नकदी मिली है। मैं पुनः कहूंगा, 9 अलमारियों में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी आईटी के छापे में मिली है। सांसद की कंपनी में 500, 200 और 100 रुपए के नोटों में कैश मिला है। इस खजाने में इतने नोट मिले जिसे गिनते गिनते काउंटिंग मशीनें तक खराब हो गई। 3 दिनों के ऑपरेशन में आईटी विभाग को 156 बैग मिले। इस वक्त भी कई राज्यों में छापेमारी जारी है। झारखंड के रांची में सांसद धीरज साहू के घर पर रेड चल रही है। यहां चारों तरफ CISF के जवान तैनात रहे और जांच के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी कई बैग लेकर बाहर निकले। सांसद धीरज साहू के करीबी शराब कारोबारियों के ठिकानों पर भी आईटी विभाग की टीमें पहुंच चुकी हैं। अब तक मिली खबरों के मुताबिक झारखंड में रांची और लोहरदगा के अलावा उड़ीसा के संबलपुर, राउरकेला, बोलांगिर, टीतलागढ़ और बौद्ध समेत कई जगहों पर छापेमारी हो रही है। कोलकाता के कुछ ठिकानों पर छापा मारा गया है। उड़ीसा की बौद्ध डिस्टिलरी में आयकर विभाग को सबसे बड़ी सफलता मिली है और उड़ीसा में हुई इस खुलासे को लेकर बीजेपी ने CBI जांच कराने की डिमांड की है। पूरी पूरी अलमारी भ्रष्टाचार की काली कमाई से भरकर कांग्रेस के नेता अपनी जेब भर रहे हैं। ये रुपया गांधी परिवार तक जाता है, उनकी तिजोरी में जाता है। आयकर विभाग की तरफ से नकदी का सही आंकड़ा पूरी गिनती के बाद ही बताया जाएगा। जिस कंपनी पर छापेमारी हुई उसकी तरफ से करोड़ों के कैश पर कोई बयान नहीं दिया गया। उड़ीसा का बोलांगिर में बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज पर छापेमारी हुई। ये कंपनी पश्चिमी उड़ीसा में शराब बनाने वाली बड़ी कंपनियों में एक है। बताया जाता है कि कांग्रेस सांसद धीरज साहू के पिता राय साहब बलदेव साहू ने ये बिजनेस शुरू किया था। फिलहाल इस कंपनी के चेयरमैन उदय शंकर प्रसाद हैं और रितेश साहू मैनेजिंग डायरेक्टर। इस छापेमारी और करोड़ों के कैश पर कांग्रेस सांसद धीरज साहू का कोई बयान सामने नहीं आया। प्रधानमंत्री मोदी ने काला धन से जुड़े मामले को लेकर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने कहा कि देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं के ईमानदारी के भाषणों को सुनें। पीएम ने कहा कि जनता से जो पैसा लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, ये मोदी की गारंटी है। जो जनता की कमाई भ्रष्टाचार से कांग्रेस के और घमंडिया के गुटों ने कमाई है उसको निकाल रहा है, वसूल कर रहा है। एक एक रुपए की वसूली होगी, ये भ्रष्टाचार।
दावा किया गया कि कैश की बरामदगी देश में नया रिकॉर्ड बना सकती है। इससे पहले जीएसटी के छापेमारी के दौरान कानपुर में पीयूष जैन के ठिकानों से 200 करोड़ रुपए जब्त किए गए थे, हालांकि यहां अब तक 220 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। खबरों के मुताबिक झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में इनकम टैक्स की अब तक की सबसे बड़ी छापेमारी है। नोटों के इतने बैग मिले कि बड़ी गाड़ियों में रखकर पूरा कैश बैंक तक पहुंचाया गया। ऐसी खबरें आ रही हैं कि कई और कारोबारी भी डिपार्टमेंट के रडार पर हैं। रांची से कामरान और भुवनेश्वर से अजनाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बड़ी खबर पासिंग आउट परेड से जुड़ी हुई। दरअसल देहरादून में आईएमए में